हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक एक्सपेरिमेंटल रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप आटा। आपके पास अगर कोई बचा हुआ दाल हो तो इसमें ऐड कर दीजिएगा थोड़ा सा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे सौंफ, जीरा और मेथी का भुना हुआ पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑयल जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद तिल, इससे अच्छा क्रंचीनेस आएगा। और नमक जो है इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डाल लेंगे। और उसके बाद डालेंगे हम सिजवान चटनी। इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे 1 ग्रेट किया हुआ आलू। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ इस रेसिपी के पीछे की स्टोरी। तो हुआ यूँ कि अक्सर आपने देखा होगा, अगर घर में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो फिर तो हम क्या करते हैं, जो भी सामान हमारे पास अवेलेबल होता है तो उसको लेकर हम बना देते हैं कोई भी रेसिपी। जैसा कि मेरा एक्सपेरिमेंट करने का आदत भी है, तो मैंने सोचा कि चलो कोई पराठा बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, घर में थोड़ा सा बचा हुआ दाल था उसको लिया, फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें एक आलू डालते हैं, लेकिन उबला हुआ आलू जैसा कि नहीं था। तो मैंने एक आलू को ग्रेट कर लिया और उसको अच्छी तरह से धोकर इसमें ऐड कर दिया। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों पहले ही मैंने कुछ अचार बनाया था, तो उसमें डालने के लिए मैंने बनाया था सौंफ, जीरा और मेथी का पाउडर। तो मैंने सोचा अगर ये अचार में अच्छा लगता है तो देखते हैं पराठा में ये कैसा लगता है। उसको डाला, क्रंचीनेस के लिए मैंने इसमें सेसमे सीड्स डाला और सिजवान चटनी। और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और उसके बाद बन गई मेरी एक्सपेरिमेंटल रेसिपी। और जब मैंने इसको ट्राई किया ना, तो टेस्ट बस पूछिए मत, इतना अमेजिंग था। आप जब इसको ट्राई करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। कि आपने भी कभी कोई एक्सपेरिमेंटल रेसिपी बनाई है और सभी को पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेने के बाद उसका मैंने एक बॉल बनाया और इसको बेल लिया है और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो तवे को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे इसको और धीमी आंच पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। अब हम इसमें घी या फिर ऑयल जो है उसको लगा लेंगे दोनों साइड से। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो फिर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे तो सच्ची में बहुत ही अच्छी लगी। तो पराठा जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इसको सर्व कीजिए अपने मनपसंद की कोई चटनी या फिर अचार या सॉस। मुझे तो ये सॉस के साथ बहुत पसंद लगते हैं, तो मैंने इसको सॉस के साथ ही सर्व किया है। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी में मेरी अगली वीडियो में।